हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ माय लव मिक्स अप द सीरीज के एपिसोड 4 को। और अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए, ताकि आप लोगों को स्टोरी अच्छे से समझ जाए। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत उसी छत वाले सीन से होती है, जहां अटम को समझ नहीं आ रहा होता कि वो कोंगताप से क्या कहे। तभी हाफ उसे कहता है कि अगर वो बोल नहीं सकता तो हाफ उसके बदले बोल देगा। वो कोंगताप से कहता है कि इरेजर वाली सारी बात बस गलतफहमी थी, वो अटम का इरेजर नहीं था। अटम को इतने दिनों से कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो ये बात उसे कैसे कहे, और इसीलिए वो कोंगताप को कुछ भी बात क्लियर नहीं कर पाया। वो अटम से कहता है कि उसने बात शुरू कर दी है तो बाकी की सारी बातें वो करे। ये कहकर वो अटम को वहाँ साकर भाग जाता है। अटम उदास होकर कोंगताप की तरफ देखता है और उसे कहता है कि वो उसे माफ कर दे कि उसने शुरू से कोंगताप को ये सब नहीं बताया। कोंगताप उसे कहता है कि उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, ये सब तो कोंगताप की ही गलती है कि वो बिना सोचे समझे इस बात में इतनी जल्दी कूद गया। और ये सब बस इसलिए हुआ क्योंकि कोंगताप इस बात को लेकर बहुत सीरियस हो गया था, और इसी वजह से अटम भी उसे कुछ भी नहीं बता पाया। अटम उसे कहता है कि ऐसा नहीं है। कोंगताप अपना हाथ उसके सर पर रखता है और कहता है कि वो सारी बातें भूल जाए, और उसे जानकर अच्छा लगा कि ये सब बस गलतफहमी थी, उसे शांति मिली। ये कहकर वो स्माइल करके कहता है कि वो बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करने जा रहा है, और वो वहाँ से चला जाता है। अटम वहीं अपने सर पे हाथ रख के खड़ा होता है और खुद से कहता है कि अटम सच में बेकार है। अगर वो कोंगताप से ये सब कहने से इतना नहीं डरता तो शायद वो सारी चीजों को अच्छे से यहीं पर खत्म कर पाता। आगे उसे मनमी के साथ दिखाया जाता है और वो मनमी को सारी बातें बता देता है कि कोंगताप को सारी सच्चाई पता चल गई, और कहता है कि हाँ ये अटम की ही गलती है क्योंकि उसने कोंगताप को शुरू से कुछ भी नहीं बताया था, और आज अटम के साथ जो कुछ भी हुआ बिल्कुल अच्छा हुआ। ये कहकर वो नीचे बैठ जाता है और कहता है कि उसके जैसे लूजर के साथ ऐसा ही होना चाहिए, वो यही डिजर्व करता है, और अगर और भी ज्यादा गार्बेज हो तो वो उस पे डाल दे क्योंकि वो डस्टबिन है। मनमी उसे कहती है कि वो अपने बारे में ऐसा क्यों सोच रहा है, वो लूजर नहीं है। उसने तो मनमी से प्रॉमिस किया था कि वो इरेजर की बात किसी को भी नहीं बताएगा, तभी तो उसने कोंगताप को कुछ भी नहीं बताया था। अटम कहता है कि अब से वो कोंगताप के बारे में भूलने की कोशिश करेगा और उसका दोस्त बनेगा। ये कहकर वो मनमी को इरेजर दे देता है और कहता है कि उनके इरेजर वाली ग्रुप को यहीं पर खत्म करते हैं, और रोते हुए वहाँ से मुंह फुलाकर भाग जाता है। तो मनमी भी उसके पीछे भागने लगती है कि उसने ये प्रेशर उस पे क्यों डाल दिया और उसे ऐसे हार नहीं मानना चाहिए। पर तभी रास्ते में उसका हाफ से धक्का लग जाता है। वो हाफ से पूछती है कि क्या उसने अटम को कहीं देखा, पता नहीं वो कहाँ भाग कर चला गया। हाफ उसे कहता है कि क्या हुआ, क्या कोई बात हुई है। मनमी उसे कहती है कि लंबी कहानी है। हाफ कहता है कि क्या अटम अभी भी कोंगताप को लेकर ज्यादा सोच रहा है, अगर उसने हाफ की बात पहले ही सुन ली होती और सारी सच्चाई उसने कोंगताप को शुरू में ही बता दी होती तो ये सब बहुत पहले ही खत्म हो गया होता। मनमी को उसकी ये बात अच्छी नहीं लगती। वो उसे कहती है कि हर चीज इतना आसान नहीं होता, ये तो सिचुएशन और सामने वाले पे डिपेंड करता है। हाफ कहता है कि वो ये नहीं कह रहा कि ये सब आसान है, पर ना कहने के बहाने नहीं बनाने चाहिए, और अटम बहुत बेकार है इसीलिए वो ये सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, और उसके साथ बिल्कुल ठीक हुआ तो वो उसके लिए बुरा फील ना करे, उसके जैसा नालायक यही डिजर्व करता है कि उसे अकेले छोड़ दिया जाए। उसकी ये बात सुनते ही मनमी बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे एक थप्पड़ मारती है, और इतनी जोर से मारती है कि वो नीचे गिर जाता है। हाफ उसे कहता है कि मनमी ने उसे थप्पड़ क्यों मारा। मनमी रोते हुए कहती है कि हर कोई हाफ की तरह बहादुर नहीं होता। मनमी को तो लगा था कि हाफ दूसरों की फीलिंग की रिस्पेक्ट करता है, पर अब उसे समझ आया कि वो गलत थी। ये कहकर वो वहाँ से भाग जाती है, और हाफ को समझ नहीं आता कि मनमी ने उसे आखिर थप्पड़ क्यों मारा। दूसरी तरफ अटम क्लास में जा रहा होता है, पर कोंगताप को देखकर वो छुप जाता है और अपना मुंह छुपाकर भागकर अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है। तभी हाफ उसे कहता है कि उसकी वजह से मनमी ने उसे थप्पड़ मारा। वो अटम के बारे में कह रहा था कि वो कोंगताप को लेकर बहुत ज्यादा सोचता है, और तभी मनमी ने उसे थप्पड़ मार दिया, उसका चेहरा पूरा सूज गया है। अटम कहता है कि उसके साथ अच्छा हुआ। हाफ कहता है पर अब उसे सच्चाई का एहसास हुआ है कि मनमी को आखिर इस बात पे इतना गुस्सा क्यों आ गया। अटम उसकी बात सुनकर घबरा जाता है। हाफ कहता है कि मनमी अटम को लाइक करती है और इसीलिए वो इतना ज्यादा गुस्सा हो गई थी। अटम कहता है कि वो ये बात मनमी को ना कहे, वरना वो दोबारा से उसे थप्पड़ मारेगी, वो बिल्कुल इडियट है। हाफ कहता है तब वो आखिर किसे लाइक करती है, वो जरूर कोंगताप को ही लाइक करती है। अटम कहता है कि वो स्टूपिड है और उसे बात नहीं करेगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। हाफ कहता है कि वो उसकी बातों से गुस्सा
क्यों हो गया और मडमी ने उसे थप्पड़ क्यों मारा वो उसे बता कर जाए। आगे सीन चेंज होकर दूसरे दिन का दिखाया जाता है जहां वो लोग क्लास में होते हैं। मडमी एटम को बताती है कि आज मिड टर्म एग्जाम के रिजल्ट आने वाले हैं और वो लोग अपने रिजल्ट को ग्रुप चैट पे देख सकते हैं। एटम अपने फोन को लेकर प्रे करने लगता है कि वो एग्जाम में पास हो जाए और वो चेक करता है कि वो पास हो गया। वो मडमी को बताता है कि वो पास हो गया और उसके मार्क्स भी अच्छे आए हैं। वो बहुत खुश होने लगता है और ये बात कोंगताप को भी बताता है कि वो एग्जाम में पास हो गया और थैंक यू कि उसने उसे ट्यूशन पढ़ाया था। पर तभी उसे एहसास होता है कि उसने कोंगताप से प्यार से बात किया और वो तो कोंगताप के बारे में भूलने वाला था। यही तो उसने अपने आप से वादा किया था कि वो कोंगताप के बारे में भूलने की कोशिश करेगा, पर वो कोंगताप के इतने करीब बैठा है तो वो कैसे उसके बारे में भूल सकता है। तभी क्लास का मॉनिटर आकर उन्हें बताता है कि टीचर्स ने सबके एग्जाम के रिजल्ट के हिसाब से उनकी सीटिंग अरेंजमेंट की है तो सारे लोगों की सीट बदल गई है। वो लोग आकर देख ले कि उन्हें कहाँ बैठना है। अटम और कोंगताप देखने जाते हैं। कोंगताप अटम से कहता है कि उनके सीट एक दूसरे के सीट से बिल्कुल दो डिफरेंट साइड पर है। अटम कहता है कि ये अच्छा हुआ और ऐसे कोंगताप अटम से परेशान नहीं होगा और थैंक यू सो मच उसकी हेल्प करने के लिए और गुड लक, ये कहकर वो स्माइल करता है। आगे वो अपनी न्यू सीट पे बैठने के लिए जाता है पर वो बहुत उदास होता है। हाफ उसकी सीट के पास ही बैठा होता है। अटम से कहता है कि वो लोग फिर से आसपास ही बैठेंगे, क्या वो दोनों सोलमेट्स है। पर अटम का उसकी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता और वो उदास होकर बैठा होता है। हाफ उसे कहता है कि क्या अटम को हाफ नहीं दिख रहा, पर अटम उदास होकर कोंगताप की तरफ कंटिन्यू देखने लगता है और ये चीज हाफ नोटिस करता है और वो सोचने लगता है। आगे हमें बास्केटबॉल की टीम का सीन दिखाया जाता है जहाँ सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। प्रैक्टिस के बाद कोंगताप जाकर बैठा होता है तो खापान आकर उसे कहता है कि क्या उसे अब बताएगा कि वो किस बात से परेशान है। कोंगताप उसे कहता है कि उसे कैसे पता कि वो परेशान है। खापान कहता है कि वो टीम का कैप्टन है तो उसे पता रहता है कि उसके प्लेयर्स क्या फील करते हैं, तो अब उसे बताए कि वो किस बात से परेशान है, क्या वो मैच के लिए परेशान है। कोंगताप कहता है कि नहीं, उसे किसी ने प्रपोज किया और वो अपना आंसर ढूंढ रहा था, पर तभी उसे उस इंसान ने बताया कि सब कुछ बस गलतफहमी थी। खापान कहता है कि सब कुछ तो खत्म हो गया, फिर वो अभी भी इसी बारे में क्यों सोच रहा है। कोंगताप कहता है कि यही बात तो वो सोच रहा है कि वो अभी भी उसी बारे में क्यों सोच रहा है। खापान कहता है कि शायद वो ऑलरेडी उस इंसान को लाइक करने लगा है। कोंगताप कहता है कि उसे पता नहीं और उसने पहले कभी किसी को लाइक नहीं किया। वो नहीं जानता कि जब कोई किसी को लाइक करता है तो कैसी फीलिंग आती है, लोग कैसा फील करते हैं। उसका दोस्त कहता है कि उसे भी इस बारे में नहीं पता, उसे कोई भी आइडिया नहीं है कि किसी को लाइक करने से कैसी फीलिंग आती है, पर उसकी छोटी बहन रोमांटिक सीरीज वगैरह देखती है तो इस बारे में इन्फॉर्मेशन लेकर कोंगताप को बताएगा और वो इस बारे में ज्यादा ना सोचे। वहीं दूसरी तरफ टीचर ने अटम को बुलाया होता है कि उसने एग्जाम में चीटिंग की और तभी उसके इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। अटम कहता है कि उसने चीटिंग नहीं की। टीचर कहते हैं कि मैथ्स के टीचर को उस पे शक है क्योंकि लास्ट एग्जाम में वो फेल हो गया था, पर इस बार उसे ऑलमोस्ट फुल मार्क्स मिले हैं। अटम कहता है कि उसने किसी के भी आंसर को कॉपी नहीं किया, उसे किसी ने पढ़ाई में हेल्प की थी। टीचर उसे कहते हैं तब क्या वो उस इंसान को यहाँ पर लेकर आ सकता है जिसने उसे पढ़ाई में हेल्प की थी। अटम ये बात सुनकर सोचने लगता है कि वो अब क्या करे, पर तभी वहाँ पर कोंगताप आ जाता है और वो कहता है कि उसने अटम को पढ़ाया था। अटम को उसे वहाँ देखकर भरोसा नहीं होता कि कोंगताप उसके लिए यहाँ आ गया। कोंगताप टीचर से कहता है कि अटम उस तरह का लड़का नहीं है जो चीटिंग करता हो और इस बात की वो गारंटी दे रहा है। अटम उसकी बातें सुनकर नर्वस होने लगता है। टीचर अटम से कहते हैं कि ठीक है, वो इस बारे में मैथ्स के टीचर से बात करेंगे, उन्हें समझाएंगे और सॉरी कि उन्होंने अटम पे शक किया। अटम वहाँ से जाने लगता है पर टीचर उसे कहते हैं कि दोनों ने साथ में पढ़ाई किया तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे के काफी करीब है। कोंगताप कहता है कि हाँ वो दोनों करीब है, पर वो ये बात क्यों कह रहे हैं। टीचर कहते हैं कि उन्हें बास्केटबॉल की टीम के लिए अटम की हेल्प चाहिए। आगे बास्केटबॉल की टीम का सीन दिखाया जाता है। टीचर टीम की तारीफ कर रहे होते हैं और कहते हैं कि नेक्स्ट वीक उनकी मैच होने वाली है तो उन लोगों को उनके नए टीम मैनेजर से मिलवाना चाहते हैं और वो सारे लोगों को अटम से मिलवाते हैं। अटम बहुत नर्वस होता है पर वो सभी को अपना नाम बताता है और सारे लोग उसके लिए क्लैप करने लगते हैं। कोंगताप स्माइल करके कंटिन्यू उसके तरफ देख रहा होता है। आगे अटम को टीम के लिए काम करते दिखाया जाता है। वो सारे लोगों के लिए पानी लेकर आता है और थक जाता है। कापन आकर उसे कहता है कि थैंक यू, पर अगली बार से उसे स्पोर्ट्स ड्रिंक और रिफ्रेशिंग टॉवल लेकर भी आना होगा। अटम की हालत खराब होने लगती है पर वो कहता है कि बिल्कुल वो लेकर आएगा। तभी वहाँ पर मडमी आ जाती है और उसे कहती है कि उसे पता था कि अटम इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वो कोंगताप के बारे में नहीं भूल पा रहा और इसीलिए वो टीम का मैनेजर बन गया। अटम कहता है कि वो गलत
कह रही है। टीचर ने ही उसे फंसाया है, वो तो कोंगताप के चेहरे की तरफ भी दिखना नहीं चाहता। मडमी उसे कहती है पर कोंगताप अभी यहीं पर परफॉर्म कर रहा है जहाँ वो बैठा है। अटम उसकी बात सुनकर तुरंत दिखने जाता है और मडमी स्माइल करने लगती है। अटम उसे कहता है कि उसे उल्लू बनाने की कोशिश ना करे। मडमी कहती है कि वो मजाक नहीं कर रही, वो खुद ही देख ली। तभी अटम देखता है कि उसी वक्त कोंगताप ने शूट किया होता है और ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है, उसके लिए चीयर करने लगता है और मडमी से कहता है कि कोंगताप बेस्ट है, वो बहुत अच्छा खेलता है। पर ये कहकर वो घबरा जाता है। मडमी कहती है कि वो उसकी बात सुने, वो अपने आप से झूठ कहना बंद कर दे। इस बात में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि अगर वो कोंगताप के बारे में भूल नहीं पा रहा और अगर वो उसे भूलना चाहता है तो वो भूल सकता है, पर अगर वो उसे भूल नहीं पा रहा तो मडमी उसकी हेल्प करेगी। ये कहकर वो उसे एक बैग देती है और कहती है कि उसने आज का हॉरोस्कोप देखा, आज प्यार का रंग येलो है, तो वो अटम के लिए इस बैग में सारी येलो चीजें लेकर आई है। तभी सारे लोग पानी लेने आते हैं और पानी खत्म हो जाती है। कापान कहता है कि इन्हें और पानी चाहिए, क्या अटम कोंगताप के लिए पानी ला सकता है। ये कहकर वो वापस खेलने के लिए चला जाता है। अटम मडमी से कहता है कि आज का दिन अच्छा है। मडमी कहती है कि उसका चांस है बात को आगे बढ़ाने का और वो अपने साथ इस बैग को लेकर जाए, ये उसके बैड लक को गुड लक में बदल देगा। ये कहकर वो अटम को वो बैग पहना देती है कि वो अब अपने क्लब जा रही है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और अटम सोचता है कि वो कहाँ फंस गया। तभी कोंगताप आकर उसे कहता है कि शायद सारे ड्रिंक स्टोर अब बंद होने वाले होंगे। ये कहकर वो उसे पैसे देता है कि वो उसके लिए पानी ला दे। अटम कहता है कि हाँ, वो अभी उसके लिए लेकर आ रहा है। ये कहकर वो वहाँ से दौड़कर भागता है। वो कैंटीन में उसके लिए जूस की बोतल लेने जाता है पर वहाँ की आंटी कहती है कि स्टोर बंद हो गया है। अटम उन्हें रिक्वेस्ट करने लगता है कि उसे अपने दोस्त के लिए बस एक ही बोतल जूस चाहिए, उसने अभी बास्केटबॉल की प्रैक्टिस की है तो उसी के लिए जूस देने आया है। वो आंटी उसकी बात मान जाती है। अटम अपने पास पैसे ढूंढने लगता है पर उसके पास पैसे नहीं होते और उसने पैसे शायद रास्ते में कहीं गिरा दिए होते हैं। वो आंटी से कहता है कि वो फोन पे करेगा पर वो चेक करता है कि वो अपना फोन भी भूल आया तो उसके पास फोन भी नहीं होता और वो आंटी वहाँ से चली जाती है। ये कहकर कि उन्हें अपने बच्चे को स्कूल से लेने जाना है, अटम हार मान कर वहीं पर बैठ जाता है और अपने आप से कहता है कि वो एक छोटा सा काम भी नहीं कर पाया। तभी कोंगताप उसके पास आ जाता है और आकर कहता है कि क्या हुआ, वो कब से गया हुआ था। अटम उसे सॉरी बोलता है कि उसने उसके पैसे खो दिए, पर तभी कोंगताप की नज़र उसके बैग पे जाती है और जिसमें जूस की बोतल होती है, वो खुश होकर उसे पी लेता है। अटम को याद आता है कि मडमी ने उसे क्या कहा था कि आज प्यार का रंग येलो है और उसने बैग में सारे येलो रंग की चीजें रखी है और ये सब सोचकर अटम खुश हो जाता है। वो कोंगताप से कहता है कि वो अटम को थैंक यू ना कहे, थैंक यू तो अटम को कोंगताप से कहनी चाहिए कि उसने टीचर के सामने अटम की हेल्प की और वो ऐसे नेक्स्ट टाइम उसकी हेल्प ना करे। कोंगताप कहता है पर वो और अटम तो एक ही बोट पर है तो चुप से दूर नहीं खड़ा रह सकता। तभी बॉटल की कैप नीचे गिर जाती है और दोनों ही उसे उठाने के लिए नीचे झुकते हैं और उनकी हाथ टच हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ दिखने लगते हैं पर नर्वस होकर अपनी अपनी आंखें नीचे कर लेते हैं। अटम देखता है कि कैप के नीचे पैसा होता है, वो उसे उठाकर कोंगताप को दे देता है और कहता है कि येलो सच में लकी है जैसा मडमी ने उसे कहा था। ये कहकर वो स्माइल करने लगता है और कोंगताप उसे स्माइल करता देख कर वो भी स्माइल करने लगता है। दूसरी तरफ मडमी को कुकिंग क्लब पे दिखाया जाता है, तभी वहाँ पर हाफ आ जाता है। मडमी उसे देख कर घबरा जाती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। हाफ कहता है कि मडमी ने हाफ को थप्पड़ क्यों मारा था। मडमी कहती है कि चाहे जो हो जाए वो हाफ से माफी नहीं मांगेगी। हाफ उसे कहता है तो क्या अटम सच में कोंगताप को लाइक करता है। मडमी उसकी बात सुनकर घबरा जाती है। हाफ कहता है कि उसे पता था, उसे लग ही रहा था कि ये सब कुछ सच है क्योंकि ये चीज तो कोई भी कह सकता है और उसे पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मडमी उसे कहती है कि वो अटम के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकता है। आगे हाफ अटम को अकेले में लेकर जाता है और उसे कहता है कि वो उसे सच बताए, क्या वो कोंगताप को सच में लाइक करता है। अटम उसकी बात सुनकर घबरा जाता है और उसके हाथ से खाना नीचे गिर जाता है। हाफ उसे कहता है कि उसके एक्सप्रेशन से ही पता चल रहा है कि वो सच में कोंगताप को लाइक करता है और क्या वो जानता है कि मडमी उसे फिर से अटम के लिए थप्पड़ मारने वाली थी। और हमें दिखाया जाता है कि मडमी के नाराज होने के बाद हाफ ने उसे कहा था कि उसके कहने का ऐसा मतलब नहीं था, वो तो बस ये कहना चाहता था कि उसे पता था कि हाफ ने सब कुछ गड़बड़ कर दी और हाफ से ऐसी गलती कैसे हो गई। उसने अटम पे जोर दिया कि वो जाकर कोंगताप से सारी बातें खत्म करे, वो बहुत बुरा दोस्त है और इसीलिए तो अटम ने उसे कुछ भी नहीं बताया था। मडमी उसे कहती है कि ऐसी बात नहीं है, अटम के लिए हाफ बहुत इम्पोर्टेंट है और इसीलिए उसने हाफ को ये सब नहीं बताया, वो डर रहा था कि कहीं वो हाफ को खो देगा। प्रेजेंट में अटम हाफ को कहता है कि हाँ, वो कोंगताप
सबको लाइक करता है और अब हाफ को सब कुछ पता चल गया, तो क्या वो अब इस बात को जानने के बाद एडम से दूर रहेगा, उसे बात नहीं करेगा? ये कहकर वो सैड हो जाता है। हाफ उसके कंधे पे अपना हाथ रखता है और कहता है कि हाफ के लिए एडम नॉर्मल है, और जो लोग ऐसा सोचते हैं कि ये सब अजीब है वो लोग खुद ही अबनॉर्मल होते हैं। वो उसका सबसे करीब दोस्त है और हमेशा रहेगा। एडम उसकी बात सुनकर इमोशनल हो जाता है। हाफ एडम से कहता है कि उसने एडम के साथ जो कुछ भी किया उसके लिए उसे बहुत बुरा लग रहा है, तो अगर वो उसे मारना चाहता है तो उसे मार सकता है। एडम उसे कहता है कि क्या वो पागल है। एडम हाफ पे गुस्सा नहीं है, और वैसे तो हमेशा हाफ को कोई भी बात समझ नहीं आती, पर पहली बार उसने हाफ को इतना सीरियस देखा। हाफ कहता है कि सॉरी, और उसकी सारी गलतियों के लिए उसे माफ कर दे, पर वो अब कोंगताप का दिल जीतने में उसकी हेल्प करेगा। और मनमी ने उसे ये रेजर देने को भी कहा है, और उसने कहा कि उनके रेजर की ग्रुप चलती रहे। इसका क्या मतलब है? एडम उसकी बात सुनकर घबरा जाता है और उसे रेजर लेकर कहता है कि उसे नहीं पता, उसे कोई भी आइडिया नहीं है। शायद वो कहना चाहती है कि एडम हार ना माने। ये कहकर वो नर्वस होकर वहाँ से चला जाता है। आगे कोंगताप को रेडी होते दिखाया जाता है, क्योंकि आज उनके मैच का दिन होता है। इसके बाद वो सारे लोग उस स्कूल में पहुँचते हैं जहाँ उनका मैच होने वाला है। एडम पहले बाहर आकर सारे लोगों को लाइन से बाहर निकाल रहा होता है। वो उन्हें बताता है कि उसने स्कूल के बारे में पता किया कि स्टूडेंट्स के लॉकर रूम कहाँ पर है। वो उन लोगों को अपने साथ लेकर चलेगा, तो सारे लोग उसे फॉलो करें। तभी टीचर उसे रोक कर कहते हैं कि यह कोंगताप और खौपान का पुराना स्कूल है। एडम टीचर से कहता है कि उन्होंने उसे ये बात पहले क्यों नहीं बताया था। टीचर कहते हैं कि वो एडम को यहाँ पर लीड करते हुए दिखना चाहते थे। खौपान एडम से कहता है कि वो उसके साथ चले, वो उसे अपने कैंटीन में लेकर जाएगा जहाँ बेस्ट खाने की चीजें मिलती है। उसकी बातें सुनकर एडम अपना मुँह फुलाने लगता है। सारे लोग वहाँ से जाने लगते हैं, पर कोंगताप वहीं पर रुका होता है। वो एडम के पास आता है। एडम उसे कहता है कि क्या कोंगताप भी उसके इंसल्ट करने आया है, उसके जले पे नमक छिड़कने आया है? कोंगताप कहता है कि नहीं, वो तो उसे अपनी जर्सी देने आया है। ये कोंगताप की पुरानी जर्सी है, तो उनके टीम को चीयर करते वक्त वो इसे पहने, तब वो टीम का मैनेजर लगेगा। एडम स्माइल करके उसे थैंक यू बोलता है, पर तभी कोंगताप के पास उसके क्लेयर नाम की एक फ्रेंड आती है और कहती है कि फाइनली वो दोनों फिर से मिल गए। ये देखकर एडम उनके तरफ दिखने लगता है कि आखिर ये लड़की कौन है। आगे उन सारे लोगों को एक साथ बैठे दिखाया जाता है और वो साथ में बैठे खा रहे होते हैं। खौपान एडम को बताता है कि वो तीनों साथ में बास्केटबॉल खेलते थे, पर इसके बाद क्लास 10 में वो और कोंगताप नए स्कूल चले गए, तो क्लेयर बस अब यहाँ पर खेलती है। पर एडम कंटिन्यू क्लेयर की तरफ ही देख रहा होता है। क्लेयर कहती है कि वो अब अपने टीम की कैप्टन है। कोंगताप उसकी तारीफें करने लगता है, पर एडम क्लेयर को छोड़कर कहीं भी ध्यान नहीं देता। तभी क्लेयर उसकी तरफ देखती है तो वो घबरा जाता है। क्लेयर उसे कहती है कि क्या वो उनके टीम का मैनेजर है? एडम कहता है कि हाँ, पर बस कुछ टाइम के लिए। क्लेयर कहती है कि एडम को कोंगताप और खौपान के साथ रहने में तो बहुत परेशानी होती होगी, क्योंकि दोनों ही बहुत चीजी है। और ये सब कहकर वो उन्हें पुरानी बातें याद दिलाने लगती है, और कोंगताप और खौपान भी अपने पुराने डायलॉग्स बोलने लगते हैं और फनी हरकतें करने लगते हैं। ये सब देखकर एडम अपना मुंह फुलाने लगता है। तभी क्लेयर कोंगताप से कहती है कि उसे मैच के बाद कोंगताप से अकेले में कुछ बात करना है। ये सब देखकर एडम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आगे वो खौपान के साथ होता है और वो काफी परेशान होता है। वो खौपान से कहता है कि कोंगताप और क्लेयर के बीच में क्या चल रहा है। खौपान कहता है कि क्लेयर हमेशा ही कोंगताप को अपने साथ बास्केटबॉल खेलने के लिए चैलेंजेस देती रहती है जब भी वो दोनों मिलते हैं, और उनके बीच कुछ शर्त वगैरह लगी हुई है। एडम कहता है कि कौन सी शर्त? खौपान कहता है कि आखिर क्या शर्त हो सकती है? वही कि अगर वो जीती तो कोंगताप को उसका बॉयफ्रेंड बनना होगा। ये सब सुनकर एडम को टेंशन हो जाती है। दूसरी तरफ मनमी को पढ़ते हुए दिखाया जाता है और हाफ उसे जूस लाकर देता है। मनमी उसे कहती है कि हाफ उसे ये क्यों दे रहा है। हाफ कहता है क्योंकि मनमी ने ही उसे दिमाग दिया, उसे उसके होश में लाया, और हाफ ने ऑलरेडी एडम से बात कर ली है और सब कुछ सॉर्ट आउट कर लिया। मनमी ये बात सुनकर खुश हो जाती है। हाफ कहता है कि अगर मनमी ने उसे उस दिन मारा नहीं होता तो हाफ को किसी भी बात का अब तक एहसास नहीं होता। शायद मनमी को बीच बीच में हाफ को मारते रहना चाहिए। मनमी उसके गाल पे अपना हाथ रखने जाती है, पर हाफ घबरा जाता है और उसे सॉरी कहने लगता है कि वो बस मजाक कर रहा था। मनमी उसे प्यार से पूछती है कि क्या उसे दर्द हुआ था, और वो उसे माफ कर दी। हाफ उसके हाथ पे अपना हाथ रख कर कहता है कि कोई बात नहीं, हाफ वो थप्पड़ डिजर्व करता था। पर मनमी घबरा जाती है कि हाफ ने उसका हाथ पकड़ा। हाफ उसे बाय बोल कर वहाँ से चला जाता है कि वो उसे और परेशान नहीं करेगा। मनमी बहुत खुश हो जाती है और वो उस जूस को पीने लगती है। दूसरी तरफ मैच से पहले वो सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और एडम अपना काम कर रहा होता है, पानी के बॉटल्स और टॉवल को हटा रहा होता है। तभी कोंगताप उसके हाथ से टॉवल लेकर कहता है कि ये कोंगताप का टॉवल
टॉवल है और उस टॉवल को यूज करने लगता है। अटम उसे अपनी लाई नई टॉवल देने जाता है, तभी वहाँ पर क्लेयर आ जाती है और कहती है कि क्या वो अभी भी इसी टॉवल को यूज कर रहा है जो क्लेयर ने उसे दिया था। कॉन्ग तब कहता है कि हाँ, इसे अभी भी यूज किया जा सकता है, ये अभी भी यूजेबल है। ये देखकर अटम जल्दी से अपनी टॉवल छुपा लेता है। कॉन्ग तब उसे कहता है कि वो उसे क्या कह रहा था। अटम कहता है कि सारे लोग वहाँ पर जा रहे हैं तो उसे भी वहाँ जाना चाहिए। तो कॉन्ग तब वहाँ से चला जाता है। अटम अपनी टॉवल की तरफ उदास होकर देखने लगता है। आगे मैच शुरू होती है और कॉन्ग तब अपनी टीम के साथ अच्छा खेल रहा होता है। अटम और क्लेयर एक ही जगह पर खड़े होते हैं। क्लेयर उसे कहती है कि क्या अटम और कॉन्ग तब एक दूसरे के क्लोज फ्रेंड्स है। अटम कहता है कि क्लेयर को ऐसा क्यों लगता है कि वो दोनों क्लोज फ्रेंड्स है। क्लेयर कहती है क्योंकि अटम ने कॉन्ग तब की जर्सी पहनी है। अटम कहता है कि ये तो बस कॉन्ग तब ने उसे अभी के लिए ही दिया है और क्लेयर ही तो कॉन्ग तब की असली क्लोज फ्रेंड है। क्लेयर कहती है कि हाँ, वो लोग बचपन से एक दूसरे के फ्रेंड है, उसे पता है कि कॉन्ग तब के दिमाग में क्या बातें चलती है। अटम कहता है तो क्या वो बता सकती है कि अभी कॉन्ग तब कैसे खेलेगा। तो क्लेयर जैसा बता रही होती है, कॉन्ग तब वैसा ही खेल रहा होता है। अटम ये सब देख कर नर्वस होने लगता है और कहता है कि ये सब तो बस कोइंसिडेंस है। क्लेयर कहती है तब वो भी ट्राई करके देखे। अटम उसकी बातें सुनकर अपना मुंह फुलाने लगता है और वो भी बताता है कि कॉन्ग तब कैसा खेलेगा, पर क्लेयर जैसा बता रही होती है कॉन्ग तब वैसा ही खेलता है और उनकी टीम जीत जाती है। ये सब देख कर अटम उदास होने लगता है। क्लेयर कहती है कि सबको लगता है कि कॉन्ग तब बहुत शांत लड़का है, पर बास्केटबॉल को हाथ में लेते ही वो दूसरा इंसान बन जाता है। ये सब सुनकर अटम उदास हो जाता है कि उसे तो कॉन्ग तब के बारे में कुछ भी नहीं पता। आगे मैच खत्म होने के बाद सारे लोग वहाँ से जा रहे होते हैं और टीचर अपने टीम की तारीफ करती हैं कि सबने बहुत अच्छा खेला और वो लोग जीत गए। सारे लोग बस में जाकर बैठने लगते हैं पर कॉन्ग तब नहीं आता। अटम कहता है कि क्या वो बस में नहीं आएगा। कॉन्ग तब कहता है कि उसे क्लेयर से कुछ बात करनी है तो वो लोग चले जाए, वो अकेले घर चला आएगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अटम को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब क्या हुआ। आगे वो बस में उदास बैठा होता है, तभी कौपान उसे कहता है कि ये दोनों पक्का अपने दिल की बात कहने वाले हैं। वहीं दिखाया जाता है कि क्लेयर कॉन्ग तब से कहती है कि अगर वो आज जीती तो कॉन्ग तब को क्लेयर की बात माननी होगी जो उसे करने को कहेगी। बस में कौपान अटम से कहता है कि दोनों बहुत ही टाइम से एक दूसरे के साथ मैच खेलते आ रहे हैं, पर आज लगता है कि कॉन्ग तब क्लेयर से हार जाएगा। ये बात सुनते ही अटम घबरा जाता है, उसकी हालत खराब हो जाती है और वो उठकर कहता है कि वो लोग बस रोके। वो अपने फोन वहीं पर भूल आया, उसे वापस जाना होगा अपनी चीज लेने के लिए। वो बस से जल्दी से उतरकर भागने लगता है, अपने मन में ये कहते हुए कि अगर कॉन्ग तब और अटम सच में सोलमेट्स है तो इरेज़ा उसकी हेल्प करे, वो अटम को पावर दे कि अटम टाइम पे कॉन्ग तब के पास पहुंच जाए। वो जल्दी जल्दी भाग कर वहाँ जाने लगता है और जैसे ही क्लेयर बॉल बास्केट में डालने वाली होती है वो जाकर उसे हटा देता है। क्लेयर उसे कहती है कि वो ये क्या कर रहा है। अटम उसे कहता है कि सॉरी, पर वो उसे जीतने नहीं दे सकता। क्लेयर कहती है कि क्या वो भी कौपन को लाइक करता है। अटम उसकी बात सुनकर चौंक जाता है और कहता है कि नहीं, तो क्या वो कॉन्ग तब को अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए ये गेम नहीं खेल रही थी। क्लेयर कहती है कि नहीं, अगर वो जीतती तो कॉन्ग तब उसकी हेल्प करता कौपन से उसे मिलवाने में। वो लोग लंबे टाइम से बहुत ही करीबी दोस्त है तो वो ऐसे डायरेक्टली अपने दिल की बात कौपन से नहीं कह सकती, ये सब बहुत अजीब लगेगा। तो इसीलिए उसने कॉन्ग तब को उसकी हेल्प करने को कहा, पर वो इतने टाइम से उसकी हेल्प नहीं कर रहा था। कॉन्ग तब कहता है कि वो इन सारी चीजों में अच्छा नहीं है और इसीलिए वो उसकी हेल्प नहीं कर रहा था। अटम ये सारी बातें सुनकर खुश हो रहा होता है, पर वो पागल भी हो रहा होता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। क्लेयर कॉन्ग तब से कहती है कि तभी उसने उन दोनों को वो टॉवल भी दिया था ताकि कौपान को शक ना हो कि उसने सिर्फ कौपान को ही वो टॉवल दिया। अटम को याद आता है कि उसने वो सेम टॉवल कौपान को भी यूज करते देखा था। वो कहता है कि इसका मतलब उसने सब कुछ गलत समझा। क्लेयर कहती है कि अगर वो कौपान को लाइक नहीं करता तो उसने उसे खेलने क्यों नहीं दिया। अटम उसकी बात सुनकर घबरा जाता है और कहता है कि वो बस यहाँ से गुजर रहा था और वो भी उन लोगों के साथ खेलना चाहता था, इसके अलावा कोई भी बात नहीं है। तभी वहाँ पर कौपान आ जाता है और कहता है कि अटम का फोन तो बस में ही रह गया था। अटम कहता है कि हाँ तो ठीक है, वो अब यहाँ से जा रहा है और सॉरी उन दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए। ये कहकर वो कौपान को अपने साथ खींच कर वहाँ से लेकर चला जाता है और कॉन्ग तब उसे देख कर स्माइल करने लगता है।
क्लेयर कोंगताप से कहती है कि वो सारी चीज अब खुद ही संभाल लेगी, वो कोंगताप को अब और तंग नहीं करेगी। कोंगताप अपने दोस्तों के पास चला जाए। कोंगताप उससे पूछता है कि जब वो कौपन को लाइक करती है तो वो कैसा फील करती है। आगे वो सारे लोग बस में जा रहे होते हैं और कोंगताप अटम की तरफ कंटिन्यू देख रहा होता है। अटम बहुत खुश होता है और वो स्माइल कर रहा होता है, पर वो नर्वस होने लगता है क्योंकि कोंगताप उसकी तरफ कंटिन्यू देख रहा होता है। वो कहता है कि बहुत गर्मी लग रही है, पर अभी धीरे धीरे कोंगताप की तरफ देख रहा होता है। कोंगताप उसकी तरफ देखकर अभी स्माइल कर रहा होता है। कौपन कोंगताप से कहता है कि मैच कौन जीता। कोंगताप कहता है कि कोई भी मैच नहीं जीता क्योंकि मैच खत्म ही नहीं हो पाया और अब शायद वो दोनों ऐसे मैच नहीं खेलेंगे। ये बात सुनकर कौपन बहुत खुश हो जाता है, पर बात बदल कर कहता है कि मतलब कोंगताप को परेशान नहीं होना होगा। ये सुनकर अटम और कोंगताप स्माइल करने लगते हैं। कौपन कहता है कि वो दोनों जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। कोंगताप उसे कहता है कि कौपन और क्लेयर बिल्कुल एक जैसे हैं। कौपन कहता है कि वो क्लेयर को पसंद नहीं करता, वो उसके जैसा नहीं है। ये कहकर वो जल्दी से सो जाता है। कोंगताप कहता है कि उसने तो उसे कुछ भी नहीं कहा। तभी अटम और कोंगताप की नज़र मिल जाती है और कोंगताप स्माइल करने लगता है। वो अटम से कहता है कि वो कोंगताप के पास वापस क्यों आया था। अटम उसकी बात सुनकर घबरा जाता है पर कहता है कि उसके पास कोंगताप के लिए कुछ है। ये कहकर वो उसे वो टॉवल दिखाता है और कहता है कि उसे उसके कैट जैसा लगा तो उसने कोंगताप के लिए ले लिया, पर अगर वो चाहे तो क्लेयर वाला ही यूज कर सकता है। कोंगताप उसे कहता है कि वो टॉवल वो कौपन को दे देगा और वो इस वाले को यूज करेगा और थैंक यू कहकर वो उसे यूज करने लगता है। अटम खुश हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ दिखने लगते हैं, पर अटम घबरा कर कहता है कि उसे नींद आ रही है, वो अब सो रहा है। ये कहकर वो अपना मुंह ढककर सो जाता है। वहीं दिखाया जाता है कि जब कोंगताप ने क्लेयर से वो क्वेश्चन पूछा था कि जब हम किसी को लाइक करते हैं तो हमें कैसी फीलिंग आती है, उसने क्लेयर से कहा था कि जब लोग किसी से प्यार करते हैं तो क्या सच में ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे पेट में तितलियां आ गई हो। क्लेयर कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, जब कोंगताप किसी को लाइक करेगा तो उसका दिल उसे खुद ही बता देगा। वहीं प्रेजेंट में वो अटम की तरफ देखकर कंटिन्यू स्माइल कर रहा होता है। अटम नींद में अपना सर उसके कंधे पे रख देता है। कोंगताप उसे आवाज देने लगता है पर वो नहीं जगता और वो स्माइल करने लगता है, पर तभी उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और उसे क्लेयर की वो बात याद आती है कि जब वो किसी को लाइक करेगा तो उसका दिल उसे खुद ही बता देगा और उसे समझ आता है कि क्लेयर ने जो कुछ भी कहा था उसकी बातों का मतलब क्या था। तो अटम को लाइक करने लगा है। ये सब सोच कर वो स्माइल करने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।